नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल सिंप्लीफाइड लाइफ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको शहद के बारे में बताने जा रहे हैं। शहद का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और शहद खाने के कौन कौन से फायदे हैं, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। शहद एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय तक किया जा सकता है और शहद कभी ख़राब भी नहीं होता। इसके अलावा शहद खाने के हमारे शरीर के ऊपर काफ़ी सारे अच्छे फायदे होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। मीठी चीज़ें खाना किसे पसंद नहीं, लेकिन मीठी चीज़ों के अंदर ज़्यादातर शक्कर का इस्तेमाल होता है। लेकिन शक्कर की जगह यदि आप शहद का इस्तेमाल इसके अंदर करोगे तो उसके हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे, साथ ही साथ शक्कर की वजह से होने वाला नुकसान भी टल जाएगा। तो इसलिए शहद का इस्तेमाल खाने में ज़रूर करें। एक्सरसाइज करते समय बॉडी की एनर्जी कम होती है और हमें थकान महसूस होना चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस थकान को दूर भगाने के लिए भी शहद का इस्तेमाल हो सकता है। शहद के अंदर मौजूद ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, इसलिए वर्कआउट करने से पहले यदि आप एक चम्मच शहद का प्राशन करते हो तो वो आपकी एनर्जी को तुरंत बूस्ट कर देगा और आप काफ़ी अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर पाओगे। आज की इस भागदौड़ी भरी जिंदगी के अंदर घर का काम हो या ऑफिस का वर्कलोड, हमें सिरदर्द की समस्या महसूस होने लगी है। लेकिन सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए भी आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा नींबू मिलाकर यदि आप सिर पे मलोगे तो आपको कुछ ही मिनटों में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जी घबराना या डर महसूस करना, इस समस्या से भी छुटकारा पाने के लिए आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कभी आपको लगे कि आपका जी घबरा रहा है तो उस समय आप एक गिलास पानी में शहद मिलाकर पी लीजिए, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। साथ ही साथ ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देगा और ये आपके दिल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। आजकल के वातावरण में प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है जिसके वजह से हमें खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, खांसी और गले की खराश, इसके ऊपर भी आप शहद एक रामबाण इलाज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कभी आपको खांसी महसूस हो या गले की खराश महसूस हो तो उस समय अदरक का रस और शहद दोनों बराबर मात्रा में लेना शुरू कर दीजिए, तुरंत आपको आराम मिल जाएगा। हर रोज एक गिलास पानी के साथ एक चम्मच शहद का सेवन करना शुरू कर दीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वो हमारे शरीर के इम्यून पावर को बढ़ा देगा और हमें काफ़ी सारी गंभीर बीमारियों से दूर रखने में मदद करेगा। वजन घटाने में या मोटापा दूर करने में भी शहद काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। यदि रोज सुबह एक गिलास गुनगुने पानी के साथ शहद का सेवन किया जाए तो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देता है। बढ़ा हुआ मेटाबॉलिज्म रेट हमारे शरीर में से अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करता है, जिसके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्लिम और फिट दिखना शुरू करेंगे। शहद एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल है, इसके वजह से यदि कोई आपको छोटा सा घाव होता है तो उसको पानी से धो लीजिए और उसके ऊपर शहद डाल के उसको पट्टी से बांध दीजिए। जख्म काफ़ी जल्दी भर के आएगा और कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि शहद एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। यदि आपको छोटी सी बर्न इंजुरी होती है तो वहाँ पे भी आप शहद का इस्तेमाल कर लीजिए। जो भाग जला है वहाँ पे यदि आप शहद लगाते हैं तो आपको वो ठंडक प्रदान करेगा और साथ ही साथ वहाँ पे कोई जख्म भी नहीं होगा। रोज़ शहद का सेवन करना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यदि हम रोज़ शहद का सेवन करते हैं तो वह हमारे पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही साथ वो पाचक रस को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से खाना ठीक से हजम होता है और हमें कब्ज और गैस जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। खाने के अलावा चेहरे के ऊपर के पिंपल्स, झुर्रियाँ या चेहरे का रंग निखरना, इन जैसी समस्याओं का छुटकारा भी शहद से पाया जा सकता है। यदि आपको पिंपल होता है तो उसके ऊपर दालचीनी का पाउडर और शहद का मिश्रण करवा के लगा दीजिए। इसके अलावा चेहरे का रंग निखरना है या झुर्रियाँ कम करनी है तो उसके लिए भी आप शहद का फेस मास्क बना के चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं, उसको आधे घंटे बाद धो दीजिए। ये प्रयोग हफ्ता भर कर दीजिए, आपके चेहरे में काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आना शुरू हो जाएंगे। चेहरे की त्वचा के साथ साथ आप होठों के लिए भी लिप बाम की तरह शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे की सुंदरता के साथ साथ बालों की सुंदरता भी बढ़ाने के लिए शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद को यदि आप कंडीशनर की तरह इस्तेमाल करेंगे या रोज के शैम्पू के अंदर दो चम्मच शहद मिला के रखिए और नहाते समय शैम्पू का यूज़ कीजिए, वो आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान करेगा और आपके बाल काफ़ी सुंदर और घने दिखना शुरू हो जाएंगे, साथ ही साथ बालों का ड्राइनेस भी दूर हो जाएगा। शहद का खाने में इस्तेमाल करते समय एक चीज़ ध्यान में रखें, जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है वो शहद का सेवन ना करें, और एक साल से छोटे बच्चे रहेंगे तो उनको भी शहद खाने के लिए ना दीजिए, क्योंकि शहद छोटे बच्चों को सूट नहीं करता।
यदि आप सोते समय हर रोज एक चम्मच शहद दूध के साथ लेना चालू करेंगे तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। शहद आपके दिमाग के लिए ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है। यदि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है तो उसको वो बढ़ाता है। इसके अलावा अल्जाइमर जैसे खतरनाक डिजीज से भी वो आपको बचाने में मदद करता है। गुनगुने दूध के साथ शहद का सेवन हमें और भी फायदे प्रदान करता है। यदि आपको नींद न आने की समस्या हो तो आप गुनगुना दूध और शहद जरूर पीजिए। आपको काफ़ी अच्छी और गहरी नींद आने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने बताए हुए शहद के ये सारे इस्तेमाल आप ज़रूर करके देखें, और इस्तेमाल करने के लिए अच्छा और शुद्ध शहद ही घर में लाएं, क्योंकि शुद्ध शहद के अंदर काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स मौजूद रहते हैं और जो हमें काफ़ी सारे लाभ प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। यदि आपका कोई सुझाव रहे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। दोस्तों, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।